नमस्कार दर्शकों, मैं रवि पवार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल आरएसपी वर्ल्ड पर। और आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में मारक, योग कारक और पीड़ित ग्रह के बारे में। बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इन ग्रहों को लेकर कि हमें हमारी कुंडली के कौन से ग्रह मारक हैं, कौन से योग कारक हैं या कौन से पीड़ित ग्रह हैं उनके बारे में पता चले। ये कमेंट तो वो लोग कर रहे हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्योतिष का नॉलेज है और उन्हें अब इन तीन कैटेगरियों के बारे में पता चल गया है। बहुत सारे लोग अभी भी दुनिया में ऐसे हैं जिनको इन तीन कैटेगरियों के बारे में पता ही नहीं है और वो गलत गलत उपाय कर रहे हैं, यानी कि जिन्हें दान नहीं करना चाहिए वो दान कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारा ग्रह हमें अशुभ फल दे रहा है। जिन्हें रत्न या माला पहन के ग्रह को बलवान करना चाहिए लेकिन वो पहन नहीं रहे हैं। और एक पीड़ित ग्रह, वो तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि पीड़ित ग्रह की कैटेगरी होती भी क्या है। इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा सारी कैटेगरियों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की, लॉजिकल विद लॉजिक और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी, समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के मारक ग्रह के बारे में। ये क्या होते हैं? देखिए, कोई भी ग्रह, चाहे वो सूर्य हो या केतु हो, सूर्य से लेके केतु तक कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में छठे घर में, आठवें घर में या बारहवें घर में बैठे हैं, कुंडली के 6, 8, 12 में, तो वो हो जाते हैं मारक। क्योंकि ये तीन ग्रह कुंडली, ये तीन घर कुंडली में अशुभ होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठ गया तो वो मारक कहलाएगा। शर्त है कि वो विपरीत राजयोग में है या नहीं है। अब विपरीत राजयोग क्या होता है? ये एक राजयोग का नाम है, इसके बारे में आपने कभी सुना भी होगा और जल्दी इसके बारे में एक वीडियो भी आ जाएगा, उसमें आप समझ जाएंगे। छोटा सा उदाहरण अभी दे देता हूँ। देखिए, जैसे कि हर ग्रह की अलग अलग राशियाँ होती है, तो अगर गुरु ग्रह अपनी ही 9 नंबर की धनु राशि या 12 नंबर की मीन राशि में कुंडली के 6, 8, 12 घर में बैठे हों तो वो विपरीत राजयोग में आ जाते हैं। इसे फिर से समझिए, कुंडली का 6, 8, 12 घर में अगर आपको गुरु, जहां गुरु लिखा है 6, 8, 12 में और गुरु के साथ राशि लिखी है 9 या 12, तो ये विपरीत राजयोग हो गया, यानी कि बुरे घर में बैठे स्वामी, ग्रह का स्वामी, बैठी राशि का स्वामी उसी घर में बैठ गया, तो यहाँ विपरीत राजयोग बन गया। शर्त यह है कि लग्नेश कुंडली का मजबूत होना चाहिए। विपरीत राजयोग में थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो देखिए, पहला तो हो गया कि अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 घर में बैठ रहा है तो वह अशुभ हो गया। इसके बाद कोई ग्रह अगर कुंडली के तीसरे घर में बैठ रहा है तो भी वो प्लस माइनस में चला जाता है, क्योंकि कुंडली का तीसरा घर अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो वहां भी ग्रह लगभग लगभग मारक स्थिति में ही हो जाता है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन आते हैं हम, ग्रह किसी भी तरीके से अगर नीच का हो गया है। अब नीच का क्या होता है, इसके बारे में भी एक वीडियो लाएंगे जल्दी से, जिनको ज्योतिष का नॉलेज है वो समझ जाएंगे। नीच का होना मतलब कि ग्रह का एकदम डाउन हो जाना, मतलब एकदम खराब हो जाना, अशुभ हो जाना, तब भी ग्रह मारक हो गया। दो वेराइटी यहाँ पे हो गई, पहले हो गई 6, 8, 12 में बैठने में, दूसरे हो गई नीच का होने में। अब नीच भंग अगर हो गया है उस ग्रह का तो वो ग्रह अच्छा हो गया, लेकिन नीच भंग नहीं हुआ है तो वो ग्रह मारक की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, ये दो हो गए तरीके यहाँ पे किसी ग्रह को मारक साबित करने के लिए कि वो ग्रह मारक है। तीसरा तरीका और है, कोई ग्रह अगर अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, यानी हर ग्रहों की कुछ मित्र राशियां हैं कुछ शत्रु राशियां हैं, तो अगर शत्रु राशि में बैठे हैं और वो लग्नेश के अगर शत्रु हैं, जो कुंडली में पहला घर है वहां पे जो राशि बैठी है उसके अगर शत्रु हैं तो भी वो ग्रह मारक हो जाएगा, यानी अशुभ हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, अगर आपका ग्रह मारक है तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, पंडित ब्राह्मण से पता कर लीजिए, उस ग्रह की वस्तुओं का उस ग्रह के वार को ही दान करना शुरू कर दीजिए। दान करेंगे वो ग्रह शांत होता जाएगा और आपको शुभ फल दे देगा। आपको उस ग्रह का रत्न और माला नहीं पहनना है। ये गलती आप करते हैं बहुत से लोग कि मारक ग्रह के रत्न और माला पहन लेते हैं या उन्हें पहना दिया जाता है वो रत्न माला कि आपका ग्रह अशुभ है, आप रत्न पहनिए तो वो ग्रह बलवान हो जाएगा, आपको शुभ फल देने लग जाएगा। इसको प्रैक्टिकल तौर पे समझ लेते हैं। आपका जो दुश्मन है आपके जीवन में,
आप उससे दोस्ती करना चाहेंगे या उससे दूर भगना चाहेंगे? दूर ही भगना चाहेंगे ना। तो ये जो अशुभ ग्रह है ये आपके दुश्मनी है, तो आप इनसे रत्न और माला पहन के दोस्ती कैसे कर सकते हैं? आपको इनको दान देकर, यानी कि दुश्मन को जो वो मांग रहा है वो देकर दूर भगा देना चाहिए। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, मारक ग्रह का रत्न माला नहीं पहना जाता है, उसका आप दान करिए। उसके बीज मंत्र का जाप कीजिए। देखिए बीज मंत्र का जाप करना, हर ग्रह का एक बीज मंत्र बना हुआ है, तो बीज मंत्र का जाप करना किसी भी ग्रह को, चाहे वो योग कारक हो चाहे मारक हो, उसका शुभ फल ही आपको प्रदान करेगा। अब आते हैं योग कारक की कैटेगरी में। योग कारक ग्रह को आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, कोई भी ग्रह अगर अपनी मित्र राशियों में बैठा हो, कोई भी ग्रह अगर कुंडली के 1, 4, 7 और 10वें घर में बैठा है, 5वें और 9वें घर में बैठा है, या 11वें घर में या दूसरे घर में कुंडली के बैठा है, तो वो ग्रह योग कारक कहलाएगा। पहली चीज तो ये हो गई, पहला नियम ये हो गया। उसके बाद कोई भी ग्रह अगर उच्च का है, अगर इन्हीं भावों में उच्च का है, जितने भी अभी भाव मैंने बताए हैं, तो वो ग्रह योग कारक कहलाएगा। अब उच्च में एक यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एक चीज, कि किसी भी ग्रह का उच्च होना 6ठे, 8वें, 12वें घर में नहीं माना जाएगा और तीसरे घर में भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये घर कुंडली के खराब घर होते हैं, अशुभ घर होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ग्रह उच्च का हो रहा है तो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। उच्च का होना किसी ग्रह का या नीच का होना क्या होता है कि उस ग्रह की शक्ति बढ़ जाती है, तो बुरे घरों में जब ग्रह की शक्ति बढ़ेगी तो वो ज्यादा पावर से आपको मारने वाला बन जाएगा। तो उच्च होना किसी ग्रह का इन्हीं शुभ भावों में होना चाहिए। दो नियम ये हो गए। तीसरा नियम, अगर कोई भी ग्रह लग्नेश का मित्र है, कुंडली का जो लग्नेश बनाया गया है भगवान ने जिसको, उसका मित्र है और अपनी मित्र राशि में ही बैठा हुआ है, तो वो शुभ फल देगा। अब ये मित्र राशियां भी कुंडली के अच्छे अच्छे घरों में होनी चाहिए, जो भी मैंने बताया कि पहला चौथा सातवां दसवां घर, पांचवा घर, नौवां घर, ग्यारहवां घर और दूसरा घर, इन घरों में बैठा है तो ही वो योग कारक कहलाएगा। तीन कैटेगरी ये हो गई। तो ऐसे अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं तो वो योग कारक हो गए। अब आपको क्या उपाय करना? देखिए ग्रह योग कारक है लेकिन वो आपको शुभ फल प्रदान नहीं दे पा रहे, इसका साफ कारण है उस ग्रह में शक्ति नहीं है। डिग्री वाइज वो ग्रह या तो कम हो सकता है या फिर मृत हो सकता है या फिर सूर्य से अस्त भी हो सकता है। इन तीन कारणों से वो आपको शुभ फल प्रदान नहीं करना है। क्या उपाय करना है उसकी, कि उसकी शक्ति बढ़ जाए? उस ग्रह से संबंधित जो भी रत्न है आपको रत्न धारण करना है और उसकी शक्ति बढ़ाना है। उस ग्रह से संबंधित जो भी माला है आपको माला धारण करना है, शक्ति बढ़ाना है। वैसे देखिए रुद्राक्ष माला जो है वो पूरे 9 ग्रहों पे काम करती है, मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप रुद्राक्ष माला धारण कर लीजिए, उससे उस ग्रह की शक्ति भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर हर ग्रह की भी एक माला बनी हुई है, जैसे चंद्रमा की बात करें तो मोती की माला बनी है, शुक्र ग्रह की बात करें तो स्फटिक की माला है, तो उस पर्टिकुलर ग्रह की भी एक माला है, वो भी आप धारण करके उसकी शक्ति बढ़ा सकते हैं। बीज मंत्र का जाप करना, आपको ग्रह चाहे अशुभ हो चाहे योग कारक हो चाहे मारक हो, दोनों ही स्थितियों में काम करता है, तो आप बीज मंत्र का जाप करके भी उस ग्रह की स्थिति जो को बलवान कर सकते हैं। तो ये दो कैटेगरी हो गई। अब आते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी पे, जो लोगों को समझ ही नहीं आती है। पीड़ित कैटेगरी क्या होती है, किसी ग्रह का पीड़ित होना क्या होता है? देखिए पीड़ित ग्रह ऐसा होता है कि जो ना तो मारक है ना ही योग कारक है, लेकिन वो किसी अशुभ ग्रह के चुंगल में आ गया है, ऐसा समझ लीजिए बिल्कुल साधारण सी भाषा में, कि वो फंस गया है किसी ग्रह, अशुभ ग्रह के बीच में, मारक ग्रह के बीच में, तो वो हो जाता है पीड़ित। यानी पीड़ित शब्द से समझ जाइए कि किसी का, किसी के द्वारा पीड़ित कर देना, तो वो ग्रह अपना फिर अशुभ फल देने लग जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए जितने हमारे पापी ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु, अगर इन तीनों पापी ग्रहों की दृष्टि, अगर ये कुंडली में पापी कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब मारक कैटेगरी में आ रहे हैं, तो अगर ये खुद योग कारक होकर बैठे हैं तो फिर ये अच्छे ग्रहों की कैटेगरी में आ गए तो फिर यहाँ पे प्रभाव नहीं डालेंगे। लेकिन अगर ये पापी ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं, अशुभ होकर बैठे हैं, तो इन तीन ग्रहों की दृष्टि या आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का होकर बैठा है उसकी दृष्टि, या फिर कोई ग्रह आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में अशुभ होकर बैठा है, मारक होकर बैठा है, उसकी दृष्टि,
तो इन तीनों खराब ग्रहों की कैटेगरियों की दृष्टि और इन तीनों की युति अगर किसी आपके शुभ ग्रह के साथ हो जाती है और वो शुभ ग्रह निर्बल पड़ा हुआ है कुंडली में, डिग्री वाइज सूर्य से अस्त है या मृत है, तो वो ग्रह पीड़ित हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिकल तौर पर समझ लीजिए कि जैसे कोई कमजोर इंसान है और उसको कोई बलवान इंसान अगर दबा रहा है तो कमजोर इंसान जल्दी से दब जाएगा। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि किसी कमजोर इंसान की लड़ाई किसी बलवान इंसान से करा दी जाए तो बलवान इंसान कमजोर इंसान को मार देगा। ऐसे तो आपका जो पीड़ित ग्रह है वो कमजोर इंसान हो गया और आपके जो मारक ग्रह है वो बलवान हो गए। इस स्थिति में आपका ग्रह पीड़ित हो गया। एक्चुअल में वो पीड़ित नहीं है, यहाँ पे ये समझना हमें जरूरी है। एक्चुअल में वो अशुभ नहीं है, हमें ये समझना जरूरी है। वो किन्हीं ग्रहों की दृष्टि या युति से पीड़ित हो गया, इसलिए आपको वो शुभ फल अपने दे नहीं पा रहा है। वो नेचुरल तौर पे आपकी कुंडली में अशुभ होकर नहीं बैठा है, वो अशुभ बना दिया गया है दूसरे ग्रहों की दृष्टि से और युति से। दृष्टि से कैसे कि कोई मारक ग्रह अगर उस पर अपनी कुदृष्टि डाल रहा है उस पर्टिकुलर कमजोर ग्रह पे, तो वो ग्रह पीड़ित हो गया। या मारक ग्रह उस ग्रह के साथ कुंडली में एक ही भाव में बैठ गया तो भी वो ग्रह पीड़ित हो गया। तो यहाँ पे वो जो ग्रह पीड़ित हो जाएगा वो अपने शुभ फल आपको दे नहीं पाएगा। अब आपको क्या उपाय करने हैं, देखिए उस ग्रह का भी जो पीड़ित हो गया है उस ग्रह का भी, सबसे पहले तो ये देखिए जो पीड़ित ग्रह हुआ है वो योग कारक है कि मारक है, ठीक है, ये कैटेगरी आप फाइनल करवा लीजिए अपने एस्ट्रोलॉजर से, अपने पंडित ब्राह्मण झा भी कुंडली का एनालिसिस करवा रहे। उसके बाद उस पर्टिकुलर ग्रह का आप रत्न धारण कर लीजिए, उसकी माला धारण कर लीजिए और उसके बीज मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए। जब आप इतना उपाय करेंगे वो पीड़ित ग्रह में शक्ति आते जाएगी, धीरे धीरे करके वो ग्रह बलवान होते जाएगा, फिर वो भी शक्तिशाली हो जाएगा और वो जो बुरा आदमी है, जो बुरा बलवान आदमी है यानी जो बुरा ग्रह है उससे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर जाएगा। तो ये होती है तीसरी कैटेगरी। तो अब आपकी कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक है, कौन से मारक है और कौन से पीड़ित है, इसका पता आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली का अध्ययन करवा कर सकते हैं। आप हमसे भी करवा सकते हैं या आपके किसी भी परिचित एस्ट्रोलॉजर से आप कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं, वहां पे पता चल जाएगा, फिर उसका उपाय कीजिए, उस ग्रह से आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पे संपर्क करके आप हमसे कॉन्टेक्ट, जो कुंडली है उसका जन्म, जो जन्म कुंडली है आपकी होरोस्कोप है उसका अध्ययन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, आपको तीन अलग अलग ग्रहों की कैटेगरियां समझानी थी, उनकी स्थितियों की कैटेगरियां समझानी थी। ये वीडियो आपको दिल से पसंद आया हो, आराम से इजी भाषा में समझ आया हो तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वहां पर जुड़ भी जाइए। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य ज्योतिष के बारे में और जरूरी तथ्य जो आपको जानना जरूरी है वो आपको व्हाट्सएप पे भी रोजाना सुनने को देखने को मिलते रहते हैं। तो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक पर बात करते हुए। मेरा नाम है रवि पवार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, ज्योतिषी चैनल आरएसपी वर्ल्ड। ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ओम साई राम। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं और ओरिजिनल राशि रत्न और रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।